हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेशर। द टॉपिक इज रीड राइट प्रॉब्लम, या जिसको हम बोलते हैं रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट, या फिर अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे? पैरेलल शेड्यूल्स के अंदर। पैरेलल शेड्यूल्स के अंदर ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं। पैरेलल शेड्यूल्स कहाँ हैं कि पैरेलल शेड्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं कि जहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शंस पैरेलली रन कर रही हैं, एक ही टाइम पे मल्टीपल ट्रांजेक्शंस रन कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चार केस बनते हैं, क्योंकि हमारे पास दो मेजर ऑपरेशंस हैं, रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन। तो अगर मैं बात करूं रीड एंड रीड, रीड राइट, राइट रीड एंड राइट राइट, ये चार मेरे पास केस बन रहे हैं ऑन सेम डेटाबेस। आई एम टॉकिंग अबाउट सेम डेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डेटा। सेम डेटा मींस यूजर वन इज डूइंग रीड ऑन ए, अनदर इज ऑल्सो डूइंग रीड ऑन ए, रीड ऑन ए, राइट ऑन ए, राइट ऑन ए, रीड ऑन ए, राइट ऑन ए एंड रीड ऑन, सॉरी, राइट ऑन ए। सो दीज आर ऑल अकरिंग ऑन अ डेटाबेस और अ वैल्यू ए। तो अगर हम पहले बात करें रीड रीड, रीड रीड के केस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज रीड का मतलब क्या है, सिर्फ डेटाबेस को रीड करना है, मतलब डेटाबेस को एक्सेस करना है, सिर्फ देखना है उसको। तो अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल में बोलूं, अगर आप इंडियन रेलवेज में जाके अगर आप ट्रेन का स्टेटस चेक कर रहे हो, IRCTC में ट्रेन का स्टेटस अगर आप चेक कर रहे हो, दैट इज जस्ट अ रीड ऑपरेशन। तो अगर दो लोग एक ही टाइम पे, एक ही ट्रेन का, एक ही सेम डे पे अगर चेक कर रहे हैं कि क्या स्टेटस है ट्रेन का, तो कभी कोई प्रॉब्लम अक्कर नहीं हो सकती। दो क्या, अगर 200,000 लोग भी एक टाइम पे डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, रीड रीड रीड, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां है, ये बाकी के तीन केसेस में हमारे पास प्रॉब्लम है, ये तीन केसेस में प्रॉब्लम है। तो इसमें हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, रीड राइट प्रॉब्लम। तो रीड राइट प्रॉब्लम देखो कैसे अक्कर होती है। लेट्स से कि दो ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2, यूजर वन एंड यूजर टू। यूजर वन T1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, यूजर टू T2 ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब हम IRCTC की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं लेट्स से रिजर्वेशन की। हमने ट्रेन को, ट्रेन की, ट्रेन के अंदर हमने रिजर्व करनी है कुछ सीट्स। लेट्स से ए वैल्यू है 2, इनिशियली ए वैल्यू है 2, डेटाबेस के अंदर ए वैल्यू 2 है। रीड ऑफ ए, T1 पहले आया, बिकॉज ये टाइम है, टाइम इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, टाइम इज गोइंग लाइक दिस। तो रीड ऑफ ए, T1 ने आके रीड ऑफ ए किया, तो क्या रीड करेगा, ए की वैल्यू डेटाबेस से रीड करेगा 2। अब एक तरह से आप क्या सोच रहे हो कि यूजर 1 आया, लेट से मैं यूजर 1 हूं, मैंने डेटाबेस में चेक किया कि उस पर्टिकुलर डे में, पर्टिकुलर ट्रेन में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, देखा 2 सीट्स अवेलेबल हैं। मैं अभी डिसाइड कर रहा हूं कि क्या मुझे ट्रेन पे जाना चाहिए या बस में जाना चाहिए, अभी मैं इस चीज को डिसाइड कर रहा हूं। हाँ, मैंने देख लिया कि 2 सीट्स अवेलेबल है। जैसे मैं ये डिसाइड कर रहा था, इतने में यूजर 2 आ गया और उसने अपनी ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दी, और लेट से वो भी सेम डेटा को ही एक्सेस कर रहा है, रीड ऑफ ए। उसने जब रीड ऑफ ए किया, क्या वैल्यू आएगी, 2, क्योंकि मैंने अभी कुछ नहीं किया। उसने जब डेटा को रीड किया, वो भी कहां से रीड करेगा, डेटाबेस से ही रीड करेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इनिशियल रीड, इनिशियल रीड है। राइट ऑफ ए, लेट से उसने दोनों सीट्स को रिजर्व करवा दिया, ए इज इक्वल टू ए माइनस 2, मैं तो अभी डिसाइड ही कर रहा हूं, और उसने दोनों सीट्स को रिजर्व करवा दिया, राइट ऑफ ए किया। राइट ऑफ ए करते ही 2 में से हमने 2 वैल्यू माइनस की, तो राइट ऑफ ए क्या हो जाएगी, 0, और कमिट का मतलब है डेटाबेस में अपडेट कर दो वैल्यू 0, यानी डेटाबेस बोल रहा है 0 सीट्स अवेलेबल, और वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करके चला गया। अब कंट्रोल जब मेरे पास वापस आया, मैंने फिर दोबारा लेट से ऑपरेट किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया रीड ऑफ ए। जैसे मैंने रीड ऑफ ए किया, ये क्या रीड करेगा, डेटाबेस से रीड किया 0, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है, देखो, रीड ऑफ ए किया 0, और T1 ने ही पहले रीड ऑफ ए किया था 2, तो T1 सोच रहा है कि मैंने तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया ही नहीं, तो ये वैल्यू 0 कैसे हो गई, ये वैल्यू 0 कैसे हो गई। तो इस केस में
T1 को क्या करना पड़ेगा, हमें काइंड ऑफ एबॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको हमें रोल बैक करना पड़ेगा, क्योंकि T1 ने रॉन्ग वैल्यू जो है अब वो रॉन्ग वैल्यू पे काम कर रहा है, बिकॉज उसने स्टार्टिंग में 2 वैल्यू ली थी, अब उसकी वैल्यू क्या हो रही है 0, तो T1 ऑटोमेटिकली यहाँ पे एबॉर्ट हो जाएगी और T2 तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो ये प्रॉब्लम अक्कर क्यों हुई, ये प्रॉब्लम अक्कर क्यों हुई, बिकॉज ऑफ दिस रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट। आपको एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, लेट्स से T1 एंड T2 लाइब्रेरी के एग्जांपल लेते हैं, एक बुक है ए और उसकी 10 कॉपीज अवेलेबल है, 10 कॉपीज अवेलेबल है, T1 आया पहले, लेट्स से T1 ट्रांजैक्शन पहले आई, रीड ऑफ ए किया, 10 रीड करेगी, ए इज इक्वल टू ए माइनस 1, मतलब एक बुक को वो रिजर्व करवाना चाहता है, ए इज इक्वल टू ए माइनस 1, वैल्यू क्या हो गई 9, लेकिन ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 को कौन परफॉर्म करेगा, CPU, तो CPU ने अपने रजिस्टर के अंदर वैल्यू चेंज कर दी 9, लेकिन जैसे ही वो लोकल मेमोरी में चेंज करने वाला था राइट ऑफ ए, उससे पहले T2 आ गया और T2 ने भी परफॉर्म किया रीड ऑफ ए, तो रीड ऑफ ए जैसे ही परफॉर्म करेगा, हमने यहां पे कुछ भी अपडेट नहीं किया, सिर्फ रजिस्टर में कोई वैल्यू पड़ी है 9, लेकिन मेमोरी के अंदर कितनी वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है मेमोरी के अंदर, तो ये भी कहां से रीड करेगा, डेटाबेस से, तो इसने क्या रीड किया 10, और इसने भी एक बुक को इश्यू करवाया ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 राइट ऑफ ए, इसने राइट ऑफ ए परफॉर्म किया तो वैल्यू क्या हो गई 9, और वैल्यू 9 होते ही ये कमिट करके चला गया, जैसे ही हमने कमिट किया डेटाबेस में वैल्यू क्या हो गई 9। अब लेट्स से ये अभी चल रहा था, इसके पास कंट्रोल आया, तो इसने भी लास्ट में क्या परफॉर्म किया राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए, बिकॉज इसका रीड ऑफ ए कंप्लीट हो चुका है, राइट ऑफ ए, ये राइट ऑफ ए जब करेगा तो ये क्या वैल्यू है इसके पास, इसके लोकल रजिस्टर में क्या वैल्यू पड़ी है 9, तो 9 वैल्यू को ये राइट करके और कमिट करके चला जाएगा, जैसे इसने कमिट किया 9 वैल्यू दोबारा से ओवरराइट हो गई 9 में, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कितनी बुक्स इशू हो गई 2, तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी यहां पे 8, लेकिन ड्यू टू रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट, ये रीड और ये राइट की वजह से ये प्रॉब्लम अक्कर हो रही है, तो ये पैरेलल शेड्यूल्स में ये प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है, इट इज नॉट ऑलवेज अ प्रॉब्लम, बट यस सम ऑफ द सिनेरियोज में ये प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है, चाहे आप ये वाला एग्जांपल देख लो, चाहे ये वाला एग्जांपल देख लो, ये प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है, सो दिस इज अ रीड राइट प्रॉब्लम या रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं इसको। थैंक यू।